देश की समस्या न्यूज चैनल। आज 4 फरवरी है। 4 फरवरी को जो है तो पूरे दुनिया के अंदर कैंसर वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे मतलब हम उसको उर्दू में बोलते हैं कि यौमे कैंसर दिन, हिंदी में बोलते हैं विश्व कैंसर दिवस। अब पूरी दुनिया में ये क्यों मनाया जाता है कैंसर दिन जो है, उसकी एक वजह है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मौत होती है तो कैंसर की वजह से होती है। आज जैसा कोरोना का जो मामला आया सामने सबको पता है, लेकिन उससे 10 गुना ज़्यादा दुनिया के अंदर मौत कैंसर से होती है। इसलिए ये आज जो 4 फरवरी के दिन हमारी एक्टिविटी दिखाई जाती है कि भाई हमको कैंसर से लड़ना है, कैंसर से हमें बचना है। तो अब कैंसर होता कैसे, पहले तो हमको ये समझना जरूरी है। आज जो है हर 10 पेशेंट में से 8 पेशेंट कैंसर का है दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो कैंसर जो होता है तो सबसे पहले हम लोग जो गुटखा खाते हैं, आज हर कोई गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, गुल मानता है, तो इससे कैंसर होता है। कैसे, गुटके से, गुल से, तंबाकू से। और अभी जो हमारे सामने बहुत बड़ी बात आई है कि जो टावर लग रहे हैं अभी 3G 4G 5G, जिसको मोबाइल टावर बोलते हैं हम, तो इससे भी कैंसर होता है। इसकी प्रकार अलग होती है इसके कैंसर की। ये जो टावर से जो कैंसर होता है वो ब्रेन ट्यूमर होता है। क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर। तो हमें उससे भी बचना है और उससे भी लड़ना है। और अभी जो है जियो कंपनी पूरे धुलिया शहर के अंदर, पूरे भारत के अंदर जगह जगह बोर करके 5G कनेक्शन डाल रही है। तो ये 5G कनेक्शन के जो वेव्स निकलेंगे तो इससे ब्रेन ट्यूमर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। ये एक किस्म का दिमागी कैंसर होता है। तो हमें लड़ना किससे है? कैंसर से लड़ना है। तो इसकी हिकमत अमली है, हम लोग जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पे जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो हमारे जो मोबाइल से व्यूज निकलती है तो उससे भी ब्रेन ट्यूमर होता है। तो मेरी हर दोस्तों से अपील है जो यहाँ मौजूद है कि सबसे पहले हम लोगों को जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो कम कर देना है। हमारी ज़रूरत के मुताबिक, हमारे ज़रूरत के हिसाब से हमें मोबाइल का इस्तेमाल करना है ताकि हम दिमागी कैंसर से बचें। दूसरी चीज़, जो हम गुटखा खाते हैं, आज अगर आप कैंसर के हॉस्पिटल में जाएंगे तो 80% आपको पेशेंट वहाँ पर गुटखा खाने वाले मिलेंगे। कैंसर से किसी के यहाँ सड़ा हुआ है मिलेगा, किसी के कहीं, किसी की जबान में, किसी के गले में कैंसर हो जाता है। तो आज मेरे सभी जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ नहीं भी मौजूद है, तो उनसे अपील है कि जो गुटखा खाते हैं तो उन्हें एक आज़म करना है आज कि आज के बाद हम गुटखा नहीं खाएंगे, हम तंबाकू नहीं खाएंगे, हम पूड़ी नहीं खाएंगे। आप जानते हैं पूड़ी में आज हर कोई पूड़ी का आदी है, जो पूड़ी होती है आदी है। क्यों? आदमी एक बार खाता है तो उसकी तलब क्यों होती है इंसान को, उसका नशा क्यों रहता है इंसान को, आपको पता है? उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो पूड़ी बनाते हैं विमल हीरा जो भी पूड़ियाँ है, उसके अंदर कुछ मात्रा में, कुछ मिकदार में नशीली चीज़ मिलाते हैं, मतलब हीरोइन मिलाते हैं। क्या आप लोग नशे की चीज़ खाना पसंद करोगे? जो चीज़ इस्लाम में हराम है क्या तुम वो इस्तेमाल करोगे? बिल्कुल नहीं ना। और फजूल खर्ची से भी बचना है हमें, ये सब छोड़ेंगे तो हमारा फजूल खर्च कम हो जाएगा। इसके बजाय आप जो है काजू खाइए, बादाम खाइए, खजूर खाइए अपना। आज देखो, आज हमारे नौजवान, आज उनकी सेहत क्या हो गई है देखो। आज से जो 20 साल पहले के नौजवान थे अट्टे कट्टे रहते थे, लेकिन आज पूड़ी की वजह से सब ऐसे हो गए। तो मेरे सभी भाइयों से गुजारिश है, आज एक आज़म करो कि आज के बाद हम पूड़ी नहीं खाएंगे। तो वादा करते हैं, सब आज़म करते हैं कि आज के बाद हम पूड़ी नहीं खाएंगे, क्योंकि इससे कैंसर होता है। मैं अपनी ये दो बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जितने लोग यहाँ मौजूद है आवाम से
कि वो नशीली चीज़ों से बचे और जिन चीज़ों से कैंसर होता है, गुटखा, तंबाकू, पान, मोबाइल और जो 3G 4G 5G टावर है, इनके खिलाफ खड़े हो और इसके विरुद्ध में ये सब चीज़ों से छुटकारा पाए और इन सब चीज़ों को छोड़े।